भाई ये एक सिंपल सा केस स्टडी है और सिंपल तरीके से बस समझाने की कोशिश करता हूँ। आप भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, ज़्यादा हाइपर हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ये अभी तो हमारे पास फिलहाल आसूस का बोर्ड है, पर आपके पास कोई अदर कंपनी हो सकता है, कंपनी का मदरबोर्ड किसी अदर मॉडल नंबर के साथ भी हो सकता है। पर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मतलब 100 सीरीज़ के नीचे वाला बोर्ड मैं बता रहा हूँ। 100 सीरीज़ से कुछ अलग रीज़न होता है इसके पीछे और अलग तरीके से काम होता है उस बोर्ड में। तो देखो, मतलब मान के चलो 4131 सीरीज़ का या फिर 55 सीरीज़ का कोई भी बोर्ड किसी भी कंपनी का आए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कभी कभार बिंदास चल रहा है बोर्ड, कभी कभार कुछ टाइम चलने के बाद बोर्ड डिस्प्ले आउट हो रहा है, या फिर हैंग हो रहा है, या फिर कभी कभार आप फर्स्ट टाइम ही इसको टिगर दे रहे हो तो ये मतलब चल नहीं रहा है बोर्ड, मतलब 00 कोड, या फिर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो इस बोर्ड में फिलहाल अभी डिस्प्ले है, तो ये कुछ टाइम चलता है। कुछ टाइम चलने के बाद, कुछ टाइम मीन्स 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स चलेगा, फिर दोबारा टिगर लेगा तो डिस्प्ले नहीं आता है और कोड 00 हो जाता है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आए तो एक चीज़ आप फॉलो करो, कुछ भी करने से पहले आपका बोर्ड रेडी है, आपके पास ये देखो डिस्प्ले आ चुका है, यहाँ पर डिस्प्ले आ चुका है, 87 मीन्स डिस्प्ले आ चुका है। अभी मॉनिटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यूएसबी पे देख सकते हो, मैंने लगा के रखा है, ये देखो डिस्प्ले इसका आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इसे मैं अभी ऑफ करता हूँ अभी। मान लो फिर से आपने टिगर दिया 1 घंटा चलने के बाद बोर्ड, तो इस टाइम ये बोर्ड इस बार चल रहा है, तो आपके केस में क्या होगा, यहाँ पर कोड FF आ सकता है, या फिर 00 कोड आ सकता है, या फिर कुछ कोड वेरिएशन होने के बाद ये कोड स्टक हो जाएगा और डिस्प्ले आउट नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के अगर केस हो तो आप दो चीज़ फोकस करें, तो ऐसे टाइप के केस में ज़्यादातर साउंड आईसी या फिर लैन आईसी मदरबोर्ड में अगर शॉर्ट होता है तो ऐसा दिक्कतें आता है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेसिंग होता है। तो अभी देखो इस बोर्ड में तो बाकी कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है टिगर देने से, पर कुछ टाइम चलने के बाद ये दोबारा नहीं चल रहा है और कभी कभार तो फर्स्ट टाइम ही चल नहीं रहा है। तो फिलहाल मेरा डेस्क पे अभी चल रहा है, ठीक है, पर उतना कहा गया है कि चल नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा सा इसको देखा, मतलब ट्रेस आउट किया, तो मुझे प्रॉब्लम लगा है, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम एक ही जगह से आ सकता है, या तो साउंड आईसी या फिर लैन आईसी, अगर इसका शॉर्ट हो तो ऐसा दिक्कतें आएगा आपके बोर्ड में। तो देखो इस बोर्ड में भी देख लो, फिर से एक बार पावर ट्रिगर देता हूँ बोर्ड को, और डिबग कार्ड को हटा दिया इसलिए। तो इस बोर्ड में देखो, ये जो इसका लैन आईसी है, ये देखो इसका लैन आईसी जो है ये ओवर हीट है। ठीक है, ये देखो ये सेंटर में देखो अभी जो मतलब मैंने लिक्विड डाला है ये ऑब्जर्व हो रहा है धीरे धीरे, ये देखो ऑब्जर्व हो गया। तो इस आईसी पे भी डाल के रखते, ये देखो जैसे का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर हम डालेंगे तो ये देखो अभी भी धीरे धीरे ये ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही हीट हो रहा है ये आईसी, ये देखो ये जो आईसी पे हमने डाला है इसका, ये क्या आईसी है कुछ दिख, ये आईसी नहीं है, ये आयो है। ठीक है, और ये देखो ये स्मेल्ट हो गया सेंटर में। ठीक है, तो ये बहुत ही हीट हो रहा है, बोर्ड अभी चल रहा है, बोर्ड में डिस्प्ले भी आ रहा है, पर क्या है ये कुछ टाइम बाद जाके बोर्ड को या तो स्टक कर देगा, या फिर दोबारा टिगर दोगे तो, या फिर आपके केस में टिगर भी नहीं ले सकता है दोबारा, सेकेंड टाइम जब आप टिगर दे रहे हो तो बोर्ड ऑन ही नहीं हो सकता, ऑन ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, और ऑन हो गया तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा कुछ टाइम, मतलब 2-3 बार कोड वेरिएशन होने के बाद डी रैम पे जाके नहीं रुकेगा,
डी रैम पे जाके नहीं रुकेगा, आप समझोगे रैम का एरर है, पर ऐसा नहीं है। ये आपको बेसिकली दो चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका बोर्ड में डी रैम का एरर आ रहा है, या फिर डी रैम को पार करने के बाद जो दो तीन स्टेप और भी वेरिएशन होता है कोड, उस कोड के मतलब डिस्प्ले आने से पहले का कोड या फिर उससे पहले का कोड में जाके बोर्ड रुक जाएगा। तो अभी देखो इसमें कितने बार कोड का वेरिएशन हो रहा है, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24, तो मतलब 24 टाइम्स कोड वेरिएशन होने के बाद जाके ये देखो अभी डिस्प्ले आया है इसका, तो मॉनिटर पे मेरा दिख रहा है, तो मोबाइल उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्प्ले आया है अभी 85 मीन्स डिस्प्ले आया है। तो इसका बजर लगा देते तो और भी आसान हो जाता। बजर, ये है बजर, कहाँ गया बजर पोर्ट, स्पीकर, स्पीकर ये हो सकता है मे बी। तो 24 टाइम्स कोड वेरिएशन होने के बाद ये डिस्प्ले आउट हो रहा है। तो ये जो 24 टाइम्स कोड वेरिएशन हो रहा है, इस बोर्ड के हिसाब से मैं बस बता रहा हूँ, आपके पास कौन सा कंपनी का बोर्ड है उसमें कुछ अलग हो सकता है। तो दो तीन स्टेप पहले जाके डिस्प्ले मतलब 85 जो है, अभी 85 है, 85 से दो एक स्टेप आगे जाके रुक जाएगा और डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ऐसे आईसी अगर शॉर्ट है, लैन आईसी या फिर साउंड आईसी, तो ऐसा होगा। तो इसमें बीप जनरेट नहीं हो रहा है, पोर्ट ख़राब है कुछ, या फिर यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। तो देखो सिंपल सा काम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर ये सेम आईसी कहीं पर भी मिले किसी अदर बोर्ड से, तो इसको रिप्लेस कर दो, और अगर मिल नहीं रहा है तो आप पहले तो काम है आपको इसको रिमूव करना है, आप इसको रिमूव कर दो सिंपली। तो मैं भी इसे रिमूव कर देता हूँ, और इसके जगह पे मेरे पास तो आईसी मिल जाएगा, अवेलेबल है, क्योंकि स्क्रैप में बोर्ड है बहुत सारा। तो पहले काम है इसको मैं रिमूव कर दूँ। फर्स्ट काम है ये आईसी जो है इसको रिमूव कर दो, और आपके पास अगर आईसी नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो आप जो कस्टमर है उनको एक यूएसबी लैन कार्ड सजेस्ट कर दो या फिर पीसीआई, ठीक है। अगर आईसी मिल नहीं रहा है तो बेसिकली ये आईसी मिल जाएगा, उसके लिए आपको स्क्रैप बोर्ड रखना है बहुत सारा, रखना पड़ेगा। अगर काम करते हो तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपोनेंट आईसी ऑनलाइन में नहीं मिलता है, ठीक है, और जहाँ मिलता था वो वेबसाइट बंद हो चुका है। ये आईसी जो है मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन हो गया। ये जो बोर्ड कभी कभार चल रहा था, कभी कभार स्टक हो रहा था, ये अब दोबारा ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। तो देखो मैंने जो है आईसी को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अभी इसे थोड़ा सा सरफेस को साफ करेंगे, सरफेस को क्लीन कर दिया, और फिर से एक बार मैं पावर देके फाइनली चेक करूंगा, वीडियो को एंड करूंगा, और आईसी में बाद में लगा देता हूँ। तो अभी एक चीज देखना है, हीटिंग इशू यहाँ पर और है कि नहीं, देखो ये देखो यहाँ पर और कोई हीटिंग इश्यू नहीं है। यहाँ पर आप बिंदास आईसी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और रिप्लेस कर दो ये जो आईसी था, ये आईसी खराब है। और ये लैन आईसी और साउंड आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड के लिए, ये खराब होता है तो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम फेसिंग हो जाता है बोर्ड में, ठीक है।
तो बी केयरफुल, अब जब भी काम करो थोड़ा सा ट्रेस आउट कर लो तो काम आसान बन जाएगा। तो देखो वीडियो में बेसिकली कुछ भी नहीं था, पर जिनको लेना था इस वीडियो से वो तो बहुत कुछ ले चुके हो। तो मिलते हैं कुछ अलग केस स्टडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।